सा पीपल, आज जैसे कि 10 अक्टूबर यानी 10th अक्टूबर है और आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है। तो यार आज कॉलेज जाना है, लिटिल बिट नर्वस क्योंकि फर्स्ट टाइम में कुछ भी आइडिया नहीं रहता है कि क्या करना है, किधर जाना है, क्या है। और कॉलेज वाला भी मेरा बोला था कि 10 से पहले आप लोग को व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना करके सब कुछ भेज देंगे, बट ऐसा कुछ किया नहीं। मेरा कॉलेज यहाँ से 30 किलोमीटर डिस्टेंस पर है मेरे होम टाउन से। यस, आई एम इन माई होम टाउन और यहाँ से ही मेरा कॉलेज अटेंड किया जाएगा जो कि कटिहार में है। तो अब कटिहार जाने के लिए मेरे को बस से जाना होगा और 1-1.5 घंटे का ट्रैवल है, तो हमको थोड़ा टाइम से पहले निकलना होगा। ये एक प्रॉब्लम है। कॉलेज के लिए निकल रहे हैं और इधर अपना शॉट है, पहले इसको क्रश कर लेते हैं, उसके बाद फिर फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं। लेट्स सी कैसे लगते हैं यूनिफॉर्म में। काफ़ी अच्छे से इस शर्ट को ब्रश करने के बाद अब चले नहाने, फ्रेश हो करके सीधा ड्रेस पहनते हैं और देखते हैं क्या लगते हैं। तो ड्रेस अप होने के बाद कैसा लग रहा है? काफ़ी टाइम बाद यूनिफॉर्म में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यूनिफॉर्म में आने के बाद। बट थोड़ा सा भी अगर यूनिफॉर्म में कुछ हो जाता है ना तो बहुत बेकार लगता है। अभी क्रीम लगा रहे थे थोड़ा चिकना दिखने के लिए और कॉलर पर लग गया क्रीम, बहुत थोड़ा सा मतलब वो दाग बन गया है। चलो ठीक है, दाग अच्छे हैं, अब चले शूज पहन करके सीधा भागने। और नया नया शूज, वाह, काफी टाइम बाद एक फॉर्मल शूज पहनने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि नीचे जो कि पहनने में ना हालत खराब टाइट हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई बेली कुछ ज्यादा नहीं हो गया है। नहीं नहीं, अरे बस भाई, नो फिजिकल एक्टिविटी इन योर बॉडी, झुकने से किसी को कुछ पता है? थोड़ा तकलीफ हो रहा है समझ दो। तो ये मेरा जूता और ये रहे हम, दोनों हो गए हैं रेडी, लेट्स गो। कुछ करने के बाद फाइनली अलविदा करते हुए निकलते हैं। थोड़ा मॉर्निंग में निकलने का एक फ़ायदा है, फ़ायदा यही है कि बस घर के पास से मिल जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा चांसेस होता अगर सवेरे नहीं निकलते तो बस लेने के लिए जाना पड़ता बस स्टैंड। बट अभी इस जगह पे अगर हम 5 से 10 मिनट वेट करेंगे तो आई थिंक एक बस मिल जाएगा, क्योंकि 8 बजे के बाद इधर नो एंट्री हो जाता है और बाईपास से घुमा के बस को ले जाता है। तो अभी थोड़ा टाइम है, हम यहाँ वेट कर लेते हैं, कौन जाएगा झूठ का बस स्टैंड। एक बस दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ये है कि नहीं है पता नहीं। और यही बस है मेरा, फाइनली बस मिल गया। थोड़ा 5 मिनट के अराउंड वेट करना पड़ा बट बस मिल गया, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ जाता था। ठीक है, टाइम पर एक बेस्ट यही होता है कि बस जो होता है ना मोस्ट ऑफ द सीट्स खाली ही रहता है, तो आप आराम से 2 सीट का मजा लेकर के जा सकते हो, बट रिटर्निंग में बहुत टाइट हो जाता है। हाँ, सीट खाली रहना मेरे लिए फ़ायदादायक है बट बस के ऑनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अपना कंफर्ट देखने वाले थे। मेरा कंफर्ट इसी में है कि भाई पैसेंजर थोड़ा कम ही चले, ताकि एक सीट मेरे लिए पहले से मेरे साथ ही चले, कोई बैठे ना इसको। और ये रहा कटिहार मोड़, जो कि यहाँ से पूर्णिया से टर्न लेने के बाद फिर कटिहार के लिए रोड स्टार्ट हो जाती है। से उतरने के बाद अब कॉलेज आ चुके हैं, पहला दिन, पहला पैर, पहला कॉलेज, दूसरा पैर, पहला कॉलेज। थोड़ा सा वियर्ड लगता है ऐसे में शूट करना एज अ फ्रेशर, आपको थोड़ा लगता है बट इट्स ओके। ये गेट से अंदर एंटर करते हुए और आगे कहीं पर एक लड़का है इंतज़ार कर रहा और पीछे से कमेंट भी कंटिन्यू है, होता है थोड़ा सा होता है बट इट्स ओके। व्लॉगिंग चल रहा था तो पीछे से एक सिंगर का कमेंट आता है, आओ बेटा अंदर बताते हैं। वो तो देख नहीं रहा होगा वीडियो, देख रहा है तो कोई बात नहीं भाई, आ रहे हैं।
अंदर आ चुके हैं और ये है हमारा सलमान भाई, ये भी है साथ में ही, स्कूल के बाद कॉलेज में भी ये मिल गया, तो अब मिलकर मचाएंगे क्या माल। तो चलो देखते हैं क्लासेस वगैरह किधर है। वो एक्चुअली में हम लोग को बोला गया था कि ग्रुप बना करके सारा डिटेल दे देगा है सलमान, पर कोई डिटेल उटेल नहीं दिया, बस इतना बोला था कि 10 को कॉलेज आना है, और अभी सब फ्रेशर्स जितना भी है कॉलेज में आके इधर उधर मंडरा रहा है मच्छर की तरह, और भी कुछ मिल नहीं रहा है कि कहाँ स्कूल नहीं है ना भाई, ये क्लासरूम लिखा हुआ है जाके बैग पटक दिए। नहीं नहीं इतना लंबा चौड़ा है ना ये, चलने में ही हालत खराब, ये धूप पीछे दिख रहा है भाई, यहाँ पे छाता लेके चलना बहुत कंपलसरी है। बस यहाँ पे गर्ल्स को एकदम सेवा दिया हुआ है क्या क्या, कॉलेज के बगले में हॉस्टल है, वाह भाई सबका जगल में डाल दिया है, क्या बात है क्या बात है, पक्षपात किया है। 15-20 मिनट से सब हम लोग यहाँ पर खड़ा हैं और कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, उधर भी कुछ बच्चा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि हम लोग को कहाँ पे अभी रिपोर्ट करना है, ना मेल के थ्रू ना टेक्स्ट के थ्रू ना व्हाट्सएप के थ्रू ना कोई आकर के इन्फॉर्म किया है, तो बस धूप में नहीं पर ये पेड़ में नीचे साइड में सब खड़े हैं, धूप बहुत ज़्यादा है बाहर। क्लास रूम मिल गया है हम लोग को, लेक्चर थिएटर 2 में बैठा गया है, हम सलमान और क्या नाम है शुभम भी, हम लोग तीनों साथ में बैठे हुए हैं, और ये क्लासरूम का कुछ दृश्य अब अभी तक तो बच्चा नहीं आया है, काफ़ी टाइम होने को चला है, और देखते हैं लास्ट तक में कितना बच्चा आज फर्स्ट डे अटेंड करता है क्लास। एनाटॉमी का क्लास चल रहा है पिछले 1.5 घंटे से, एनाटॉमी का लेक्चर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हुआ है, और हम लोग बहुत गंदे ऊपर से जा रहा है, पहला दिन ऊपर से जा रहा है, क्लास में स्टूडेंट्स तो अच्छा खासा आ गया है ये सब। अभी हम लोग का सेकंड क्लास लगा है जो कि उस बिल्डिंग में है, मैं सलमान के रूम पर, और फिर अभी यहाँ से जाएंगे मेस में खाना खाने, भूख लग गया है, देखते हैं यहाँ का मेस का खाना कैसे होता है, मतलब कैसा होता है क्वालिटी वाइज। अभी हम लोग को 1 घंटे का ब्रेक दिया था, उसके बाद फिर अभी हम लोग का लैब है, लैब में क्या पढ़ाएगा पता नहीं। तो आज के दिन का सारा क्लासेस अटेंड करने के बाद अब टाइम टू लीव द कॉलेज और घर जाने का हो गया है यार, बहुत मज़ा भी आया और बहुत ज़्यादा आज टाइट डे भी था, पहला तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया गया और HOT प्रिंसिपल भी थे साथ में वो पढ़ाए, उसके बाद फिर एनाटॉमी हुआ जो कि सुपर फास्ट था, सब इधर से निकला, उसके बाद फिर हम लोग का एक क्लास हम लोग गलती से सब मास्क बंद कर दिए, गलती से मास्क बंद हुआ, उसके बाद फिर हम लोग का लास्ट क्लास था कंप्यूटर IT में था, उसमें गए और इतना बेसिक चीज़ बता रहा था, 2 घंटा ज़बरदस्ती वो क्लास अटेंड करने के बाद, और फाइनली अब बस इतना ही था इस ब्लॉग में, और ऐसा ही रहा मेरा दिन। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, अपना कीमती समय इस ब्लॉग को, चलो अब बस घर निकलते हैं, बस पकड़ते हैं, और इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस यार।